प्रयागराज के पीएचक्यू के पास हरीश ढाबे पर बमबाजी के मामले में पुलिस ने इंटरस्टेट गैंग के सरगना विवेक यादव उर्फ बागी समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सिविल लाइंस के पीएचक्यू के पास 20 जून की रात हरीश ढाबे पर बमबाजी की गई थी। वहां तमाम लोग उस वक्त खाना खा रहे थे। घटना से वहां पर दहशत फैल गई थी। ढाबा मालिक चंदन अरोरा ने घटना में 2 लोगों को नामजद करते हुए 5 अज्ञात पर केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आज इस घटना को अंजाम देने वाले गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। गैंग में शामिल 3 अन्य बदमाशों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पकड़े गए बदमाशों के पास से बम और तमंचे के साथ वो कार भी बरामद कर ली गई है जिससे घटना को अंजाम दिया गया था। 3 बदमाश इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं, बाकी 2 वर्तमान छात्र हैं। वे अवैध रूप से हॉलैंड हॉल के 3 कमरों में रहते थे। गिरफ्तारी के बाद SSP अजय कुमार ने बताया कि विवेक यादव और उसके गैंग के 7 और सदस्य अवैध रूप से हॉलैंड हॉल के कमरे नंबर 4, 30 और 70 में अवैध रूप से रहते थे। ये मामला थाना सिविल लाइन जिला प्रयागराज का है। इसमें दिनांक 20 जून की रात्रि में एक मामला हुआ था जिसमें कुछ शरारती तत्वों ने बम से एक हरीश ढाबा नाम पे चंदन अरोरा पे हमला किया था, बम फेंक करके हमला किया था। अफरा तफरी मच गई थी। उस मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया था। टीमें लगाई गई थी। हमारे CO सिटी अभिषेक भारती और हमारे SP सिटी दिनेश सिंह, इनकी डायरेक्ट सुपरविजन में टीमें काम कर रही थी। हमें सफलता मिली और एक बहुत बड़े इंटर स्टेट गैंग विवेक यादव उर्फ विवेक बागी गैंग का पर्दाफाश हुआ। ये 8 सदस्यों का एक इंटर स्टेट गैंग है जिसके 5 सदस्यों को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। इन 5 सदस्यों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट VDI कार, 5 अदद बम, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। इन 5 अभियुक्तों से पूछताछ हुई तो ये मामला सामने आया कि ये सभी लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉलैंड हॉल नाम के छात्रावास के कमरा नंबर 4, 30 और 70 में निवासित थे, अवैध रूप से निवासित थे। इनके बारे में डिटेल जानकारी की जा रही है। इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ 6, 7, 8 मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। इनके खिलाफ लूट, हत्या का प्रयास, डकैती, बमबाजी, आगजनी और धोखाधड़ी से संबंधित मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। ये सारे बदमाश जिला प्रतापगढ़, मऊ, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, अपने प्रयागराज इत्यादि स्थानों के रहने वाले हैं। इसलिए एक इंटरस्टेट गैंग है। इन सभी बदमाशों को, यानी विवेक बागी गैंग के 8 बदमाशों में से 5 बदमाशों को गिरफ्तार करके सभी सबूतों के साथ आज माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। हमारी जो टीम ने अच्छा काम किया है उसको 20,000 रुपये का इनाम दिया गया है। पास फॉलो कर।